वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी किस चैनल। सो फ्रेंड्स, सभी को चाहिए कि गालों में लालिमा हो और बालों में कालिमा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आज लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव वाला नुस्खा, जिसे आप अपना के अपना फेस में जो पिंपल्स होते हैं और रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, डस्ट सर्कल्स होते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही अपने चेहरे को ड्राइनेस से बचा सकते हैं, ओपन पोर से बचा सकते हैं, एकदम ब्यूटीफुल सॉफ्ट और स्मूथ यंगर लुक पा सकते हैं। साथ ही अगर आपके बालों में प्रॉब्लम है, यानी बालों की बर्नलेस या बालों का लॉस होना या फिर बालों का झड़ना या फिर बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाना हो या फिर बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, साथ ही बालों का दमुआपन या फिर बाल बहुत ही ज़्यादा झाड़ू जैसे और पतले हो रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स की छुटकारा पाने के साथ साथ आजकल की जो एक और बहुत बड़ी समस्या है वो है वेट, हैवी वेट। और फिर आपका जो वेट है आप लूज करना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि हम आप में हैप्पीपन है, आपको थकान महसूस हो रही है, एक्टिव फील नहीं हो रही है और आपकी डाइजेशन पावर एकदम जो है गड़बड़ा गई है, आपकी पेट में गैस रहते हैं, आपको एसिडिटी रहती है, गैस रहती है या फिर आपकी ब्लड शुगर हाई है, तो इन सारी हेल्थ बेनिफिट भी आपको इस नुस्खे से मिलेगी। सो इसके लिए आपको चाहिए क्या कि एलोवेरा जेल। यस, एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक एलोवेरा जेल अपने घर में लगाइए और उसे ऑर्गेनिक ही अपने आपको उसे लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पूरा जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चलिए जानते हैं एलोवेरा की क्या खासियत है कि मैं जो बोल रही हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। सो फ्रेंड्स, एलोवेरा तो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको पता ही होगा। स्किन में लगाने से यह स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाती है, हाइड्रेट रखती है और साथ ही गोरापन भी देती है। और फ्रेंड्स, बालों में लगाने से बाल भी जो है सॉफ्ट बनते हैं और शाइनर बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, ग्रो भी करते हैं और काले भी बनते हैं अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, एलोवेरा जो है, एलोवेरा जूस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हाइड्रेट्स करता है स्किन को और कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को लो करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करती है, साथ ही आर्थराइटिस पेन को सुतेज करती है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेस से और किडनी स्टोन प्रिवेंट करती है, साथ ही सनबर्न को कूलिंग और रिपेयरिंग करती है और हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, साथ ही गम्स एंड प्रमोट्स करती है हेल्दी टीथ को, अगर आपके टीथ में प्रॉब्लम है उसे भी ये धीरे धीरे ठीक करेगी और हील करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और अगर आपके स्किन में कुछ इन्फेक्शन है उसे भी ये क्योर करती है और बॉडी यानी हेल्थ को, स्किन को, बालों को एक साथ बहुत सारा बेनिफिट देती है। ये स्किन बेनिफिट देती है, डाइजेस्टिव बेनिफिट्स देती है, लोअर ब्लड शुगर करती है, बूस्ट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, साथ ही घाव को हील करती है, न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट देती है, माउथ अल्सर को ट्रीट करती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है उसमें और ये डेंटल प्लेक्यू को भी क्योर करती है। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये लेना है एलोवेरा जेल, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी होती है, ज़्यादा तो हम ले नहीं पाएंगे, सो उसका थोड़ा सा ही क्वांटिटी चाहिए हर रोज और इस तरह से फ्रेश। सो इसे यूज करने के लिए आप भी अपने घर में उसे लगा लीजिए, एक बड़ा सा मिट्टी का गमला लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और एक ही पौधा लगाइए उसमें और ये बढ़ता ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए और वो भी बहुत खुश। सो फ्रेंड्स, इसे
उसे कैसे लेना है, ये थोड़ी सी कड़वी होती है, सो उसे आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक जो टीस्पून हम लेते हैं उस टीस्पून से की आकार का भी होना चाहिए, और ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगी फ्रेंड्स। ये ट्राइड और टेस्टेड है, मैं अपने हस्बैंड को देती थी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी गैस की और एसिडिटी की, सो उस वजह से उनको देती थी। बस ये जो स्पून दिख रही है उस स्पून में बस उतना ही, और वो तो एकदम चबा चबा कर खा लेते थे, उनको कड़वी नहीं लगती थी, लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी लगती है और टेस्ट उसका कुछ नहीं है और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो उसे आपको करना क्या है, आपको लेना है टीस्पून के जैसा, इतना ही बस आपको दिख रहा होगा, और उसे अच्छे से इस तरह से स्पून से निकाल लें और निकल जाएगा, जेल बहुत ही मोटी होती है, और उसे इस तरह से निकाल लें, और उसे अगर आपके घर में ब्लेंडर है तो आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर मिक्सी की जार में उसे मिक्सचर बना लें। मिक्स करने से क्या होगा, मिक्सी में पीस लेने से क्या होगा, ये लिक्विड ही हो जाएगा, और लिक्विड में आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके अभी आप पी सकते हैं, या फिर उसमें कुछ मिलाना चाहें, जैसे कि आप रोज वाटर अगर पसंद करते हैं लेना तो उसे मिला सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ी सी हनी मिला सकते हैं, या फिर थोड़ी सी जो है काला नमक उससे भी मिक्स करके, या फिर पानी मिक्स करके आप उसे पी सकते हैं। उससे आसानी होगी पीने में, लेकिन इसे आपको हर रोज सुबह खाली पेट ही लेना है फ्रेंड्स। अगर इस जेल से इसे पीने से थोड़ी सी पीने से अगर आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिलती है, आपकी हेल्थ सही रहता है, ब्लड शुगर सही रहता है, वेट लॉस होती है, वेट बैलेंस रहती है, और टीथ प्रॉब्लम भी क्योर होगी, स्किन ठीक रहेगी, स्किन एकदम साफ रहेगी, और रिंकल्स फाइलेंट्स ये सब क्योर हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल काले रहेंगे, लंबे और घने रहेंगे। अगर इतना ही करने से इतनी प्रॉफिट है तो क्यों ना करें, और ये बहुत ही आपको सस्ती में मिल जाएगी, अगर आप उसे घर में लगाएंगे तो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि एलर्जिक है और एक्जिमा है और बर्न हो गई है या जल गई है, या फिर कुछ घाव वगैरह है, उसे भी यह क्योर करती है। अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर ली है उसे भी क्योर करती है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स ये हमारे, और फ्रेंड्स इस जूस को लेने से ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारे बॉडी से जो जहरीला चीज़ें हैं उसे निकालती है, हमारे बॉडी की जो वेट है उससे बैलेंस रखती है। और फ्रेंड्स हम जो खाते हैं या फिर क्रीम वगैरह अपने स्किन में लगाते हैं, या फिर बालों में कुछ शैम्पू वगैरह यूज करते हैं या स्पा करते हैं, यानी बहुत कुछ कुछ केमिकल युक्त चीज़ें हर रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उस एलोवेरा जूस को लेंगे, इस तरह से फ्रेश लेंगे, तो ये उन जो केमिकल की लोचा हुई है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, या फिर हमारे स्किन में, या फिर हमारे बालों में, उसे ये क्योर करेगी, ये सबसे अच्छी बात है। और उससे क्योर करने के साथ साथ ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगी, और आपके बालों को हेल्दी रखेगी अंदर से, और ये इंटरनली काम करेगी अगर आप उसे लगाएंगे और साथ ही खाएंगे। सो फ्रेंड्स ये कोई भी मैं झूठे वादे नहीं बोल रही हूँ आपको, ये ऐसी एलोवेरा जेल अच्छी है बोल के, बेनिफिशियल है बोल के बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे जो जो कि बताते होंगे ये बालों के लिए सही है, स्किन के लिए सही है, बालों में लगाने से ऐसा हुआ, स्किन में लगाने से ऐसा हुआ, और ये सच्चाई भी है, कोई इसमें झूठी झूठी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इंटरनली इंटेक करेंगे और साथ ही अपने जो बाहर भी स्किन पे भी उसे इस्तेमाल करेंगे और बालों में भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये डेफिनेटली एक 100% गुडनेस देगी आपको, बेनिफिट देगी, जिससे आपके बाल भी सही रहेंगे और साथ ही आपके स्किन में जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, या फिर डर सर्कल्स होते हैं, या एक्नी और पिंपल्स होते हैं, उससे भी क्योर करेगी। सो फ्रेंड्स ओवरऑल ये आपके हेल्थ को सही रखने के साथ साथ ग्रे हेयर को ब्लॉक करेगी, हेयर को हेल्दी बनाएगी, हेयर को रीग्रोथ कराएगी, और हेयर को काले लंबे घने बनाएगी, साथ ही ये आपके स्किन को ब्यूटीफुल बनाएगी, गोरा बनाएगी, स्मूथ बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी,
और ये अगर आपको वेट लॉस की परेशानी है तो ये वेट लॉस कराएगी, आपके बॉडी को बैलेंस रखेगी, टीथ की प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगी, ब्लड शुगर को सही रखेगी और भी बहुत कुछ। अगर 1 टीस्पून जूस से, एलोवेरा जूस से आपको इतनी बेनिफिट होती है तो उसे जरूर लिया कीजिए और अपने हेल्थ को, अपने स्किन को, अपने बालों को सही रखिए, हेल्दी रखिए। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।